नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है 2020 के 3 मंथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और जितने भी क्वेश्चन है सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, आपके लाइक्स और व्यू बहुत ही कम आ रहे हैं वीडियो पे। इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद, इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने के बाद भी आपके बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप वीडियो देखने के बाद अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें लास्ट में। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सुरक्षा को लेकर किस राज्य सरकार ने राज्य में देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और चूंकि ये देश का पहला है तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव बंसल को किस एयरलाइंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव बंसल है, इनको एयर इंडिया कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और साथ ही राजीव बंसल अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और बात करें अगर हम एयर इंडिया की स्थापना की, तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में और टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। और बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय फिल्म मेकर रीमा दास की द विलेज रॉकस्टार फिल्म को किस राज्य की कक्षा 7 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाने की घोषणा की गई है। तो यह फिल्म असम के पाठ्यक्रम में कक्षा 7 की अंग्रेजी की किताब में शामिल की गई है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को यूएई का क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो जो रॉबिन्स हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, और इनको यूएई का क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया गया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उमारो सिस्सोको एम्बलो को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जो उमारो सिस्सोको एम्बलो है, इनको गिनी विशाओ का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम गिनी विशाओ की राजधानी की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी विशाओ, और इसकी मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रॉन्ग, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन हरियाणा की शुरुआत की है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इस अभियान को आप ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, मशहूर बंगाली एक्टर तापस पाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किससे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाली सिनेमा से। जो मशहूर बंगाली एक्टर तापस पाल हैं, हाल ही में इनका मुंबई में निधन हो गया है, और यह बंगाली सिनेमा से जुड़े हुए थे, और इन्होंने करीब 165 बांग्ला फिल्मों में काम किया है, तो फ्रेंड्स आप इनको याद रखेंगे। नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है। तो भारत के महाराष्ट्र में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र राज्य के मुंबई और पुणे के बीच हाल ही में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है। यह इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस में 43 लोगों को बैठने का स्थान है, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने मूंगा चट्टान को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में पलाऊ देश ने मूंगा चट्टान को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार प्रत्येक वर्ष महासागरों में 14,000 टन सनस्क्रीन समाहित हो जाता है, जिससे जलीय जीव को बड़े स्तर पर नुकसान होता है। तो पश्चिमी प्रशांत के देश पलाऊ ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला है विश्व का पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे और यह पहला देश है ऐसा, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, BCCI ने किस गेंदबाज को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो BCCI ने जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज और दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, और भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को BCCI ने एनुअल अवार्ड्स में पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखेंगे इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चयनित किया है? तो CRPF के नए महानिदेशक हैं AP महेश्वरी, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो AP महेश्वरी हैं यह 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। और यही बात करें अगर हम CRPF के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। और बात करें हम इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि CRPF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो CRPF का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि CRPF का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है, तो सेवा और निष्ठा जो है यह CRPF का आदर्श वाक्य है। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम COVID-19 रखा है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस देश के 112 साल 344 दिन के चितेसु बतवानी दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जो चितेसु बतवानी हैं यह जापान के हैं और यह दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं, और इनका नाम हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो फ्रेंड्स आप इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रवासी भारतीय केंद्र कहाँ पर है, तो यह न्यू दिल्ली में है, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश CCA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो जो पुदुचेरी है यह केंद्र शासित प्रदेश की CCF के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करें अगर हम राज्य की कि CCA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है केरल, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। चूँकि पहले भारतीय हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेरी के पूर्व निदेशक पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो टेरी के पूर्व निदेशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम था डॉक्टर RK पचौरी, जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो RK पचौरी हैं यह 79 वर्ष के थे, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और यदि बात करें हम टेरी के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और यदि बात करें हम वर्तमान में टेरी के निदेशक कौन हैं, तो अजय माथुर जो हैं वर्तमान में टेरी के निदेशक हैं। तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखेंगे यहाँ से इनके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 18 है, राकेश सिंह की जगह किसे भाजपा ने खजुराहो से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जो वीडी शर्मा है इन्हें भाजपा ने खजुराहो से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस महान बल्लेबाज को लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और 20 वर्ष में पहली बार किसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो आप याद रखेंगे। और यदि बात करें हम इनके उपनाम की, के सचिन तेंदुलकर के उपनाम कौन कौन से हैं, तो मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान एवं मैराथन इनके उपनाम हैं, तो फ्रेंड्स इनको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम दूसरे स्थान की, कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है प्रियंका चोपड़ा, जिनके 4.99 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में ब्रिटेन और किस देश को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया है? तो अमेरिका थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में नेपाल देश ने सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में होने वाला पहला बैडमिंटन मास्टर टूर्नामेंट हाल ही में टाल दिया है? तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। प्लीज़ फ्रेंड कीप सपोर्टिंग मी, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।